उनकी जो पूरी यूथ कॉम है जो स्ट्रगल कर रही है वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कॉम को देख लो कि इट्स इंडिया ने बीट कर दिया जापान को, उन्होंने 3.64 लाख जो एक्सपोर्ट किए हैं व्हीकल्स। अच्छा। इस पर क्या कहना चाहिए, इंडिया ऑलरेडी आपको पता फिफ्थ इकोनॉमी जो बन चुका है दुनिया में, अब वो थर्ड बनने जाए, इस इतनी स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग होती जाए, अब वो व्हीकल्स को देखें व्हीकल्स में अब स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। इसकी क्या वजह, क्या है ना उन्होंने ऐसी पॉलिसी तैयार की हर जगह से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं? अच्छा भाई, इसमें ना बेसिकली इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी मुल्क की, उसके अंदर बेसिकली पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। जी ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें कि पाकिस्तान 17 में जो जैसे ये पाकिस्तान अलग हुआ, जो इंडिया भी अलग हुआ, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी पहले भी कुछ ऐसे थी यानी कि वो मजबूत थी उससे, लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकती हमको पाकिस्तान जो है वो 70 या 75 सालों में आया था कितना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाना चाहिए था उसको। इंडिया की जो बेसिकली भाई जान रीज़न है ना, उन्होंने उनकी कौम है, उनकी जो पूरी यूथ कौम है जो स्ट्रगल कर रही है वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कौम को देख लो कि इट्स सेल्फ, आप अपनी जो है ना अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आते। ठीक है, मतलब कि आप जो है ना यहाँ पर हर बंदा ये सोच रहा होता है कि यार मुझे 10,000 अगर मिल रहा तो 20 मिल जाए, 30 मिल रहा तो 40 मिल जाए, लेकिन उनका विजन क्या है कि वो कहते हैं भाई स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्ग होते जाना, अपना बिजनेस अपना जो है ना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने जाना मुल्क के लिए, वो अपना मुल्क का विजन रख के सोच रहे होते हैं। आप उनके एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, उन्होंने चीज़ के लिए डिप्लोमा रखा हुआ है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए यानी कि ना उन्होंने अपने अच्छा जी अपने हर चीज़ के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की तैयारी की है, ठीक है, उसके डिप्लोमास रखे हैं उसके लिए, ठीक है, फिर उसके अलावा जो उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं एजुकेशनल के लिहाज से कि वो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी कंट्री के बारे में सोच के मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो बिज़नेस लाइन में निकलते हैं तो तब भी अपनी कंट्री का सोच रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम में तब भी अपनी कंट्री का सोच रहे हैं कि अपना एजुकेशनल सिस्टम कैसे ठीक करना है। उन्होंने ना हर सिस्टम के लिए अलग अलग उनके लोग जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप अपना सिस्टम देख लें कि क्या नाम लेते हैं, जब एजुकेशन सिस्टम का बंदा है, एक बंदे ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है और वो जाके किसी वेल्डिंग का काम कर रहा होता है या बाज़ दफ़ा किसी ऐसे ऑफिस बॉय का काम कर रहा होता है, तो उन्होंने उस चीज़ को अप्रोच किया है कि यार ये बच्चा इस फील्ड से निकल के आया तो इस चीज़ में काम करेगा, ये बच्चा इस फील्ड से निकल के आया, अगर वो किसी चीज़ में फील्ड में नहीं निकल रहा तो बिज़नेस की फील्ड में निकल रहा। आप रिसेंटली अभी इनका देखें एजुकेशन स्कूल सिस्टम का, उनके जो एक पॉलिटिशियन बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि आज मुंबई के स्कूल इतने शानदार हो गए, सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं कि इतने शानदार हो गए कि उनको 9-10 से उन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी है कि आपने प्रोडक्ट्स कैसे तैयार करनी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना बेसिकली साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में क्या है आपको सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं, उन 9-10 से बच्चों को इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स, और फिर बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो ठीक है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब वो बच्चा जो 9-10 में इस तरह से ग्रुप्स बना के वो जब 10 पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, फिर जब ग्रेजुएट तक उनकी ये प्रैक्टिस होगी वो अपने जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उनको फिर हुकूमत या वहाँ के लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं इस चीज़ की, 10 लाख की, 7 लाख की, 8 लाख की, और ताकि उन बच्चों को वो प्रोडक्ट्स तैयार करने में आसानी हो। आप खुद अंदाज़ा लगाएं फिर वो जब बच्चा ग्रेजुएट करके पास होगा तो उसको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी, उन 4-5 बच्चों को, ठीक है, वो 4-5 बच्चों के पास अपना बिजनेस होगा। आपके सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके या कितने लोग बच्चे मैट्रिक करके पास होते हैं, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का वो स्कोप, इसलिए बच्चा आगे हमारे पाकिस्तान में नहीं बढ़ सकता। वो कहते हैं यार आगे करके की नौकरी ही नहीं है, नौकरी या तो एक तो पहले तो माइंड सेट आपका जॉब का बनाया जाता है, दूसरे ये जॉब है ही नहीं, ठीक है, तीसरा बिजनेस की तरफ कोई लाइन है ही नहीं ना। एक तो होता है ना बिजनेस के बारे में चलो सोचता हर बंदा है, लेकिन बिजनेस करने का तरीकाकार हमें ना स्कूलों कॉलेजेस में जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ नहीं दी जा रही। वहाँ पर आपको मैट्रिक में ये बताया जाता है अच्छा पढ़ लो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, कॉलेज में ये बताया जाता है अच्छा पढ़ लो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, यूनिवर्सिटी में आके प्रोफेसर कहते हैं अच्छा पढ़ लो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी 17वें स्केल की, 18वें स्केल की, 19वें स्केल की, लेकिन फिर आगे जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करके या बीएस करके फारिग होता है तो आगे आप पाकिस्तान का सिस्टम इकोनॉमी देखें, आके जॉब ही नहीं मिलती, एक एक जो 10-10 सीटों पर कितने कितने लाख बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, और ये चीज़ें अगर देखें जॉब होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम में ही एक बच्चा तैयार होता है कि उसने आगे क्या विजन किया, क्या प्लान किया, उस लिहाज को लेकर जब वो आगे चलता है ना तो फिर जॉब भी खुद ही ढूंढ लेता है और बिजनेस भी खुद ढूंढ लेता है। आप पहले बेसिकली जहाँ पर आपके ट्रेनिंग सेंटर होता है ना वहाँ पर आपका जो है ना इससे अंदाज़ा होता है, जब आप वहाँ से ट्रेन होकर बाहर निकलते हैं ना माइंड सेट आपका पता चलता है जी अब क्या है, कि बच्चे जो परेशान हो जाते हैं यार अब बीएस कर
कर लिया, अब क्या करें? उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने बीएस के दौरान उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, आपने करना क्या है? उनको बस ये बताया जा रहा है अच्छा पढ़ लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। चले मुझे बताएं, चले ठीक, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे बताएं इकोनॉमी उनकी हमारी कब ऐसे सेट होगी कि उनकी इस टाइम में इतनी ग्रोथ कर चुकी है इकोनॉमी? भैया हमारी इकोनॉमी देखें, उनकी जो कौम है ना उसने कुर्बानी दी। आप अगर यहाँ पर कौम देख लें, आप यहाँ पर बाहर निकलें, हर बंदा वज़ीर आज़म है, हर बंदा जो है वो सदर भी बना हुआ है, हर बंदा वो आर्मी चीफ भी बना हुआ है, हर बंदा जो है ना वो बैठ के बातें करने वाला है यहाँ पे, ठीक है? हर बंदे को पाकिस्तान के हार इटसेल्फ, मुझे खुद लोग कहते हैं इंडिया दुश्मन है, ये क्यों यार, किसने हमारे जहनों में डाला कि इंडिया हमारा दुश्मन है? मगर इस टाइम जो मौजूदा हालात है, वो जम्मू कश्मीर को जो है वो जो उसमें लॉन्चिंग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वो डैम बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वो इतनी वो मैन्युफैक्चरिंग कर, जम्मू कश्मीर में उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा लिया, जम्मू कश्मीर में आईटी हब बना दिया। अब मुझे बताएं वो दुश्मन, आप कहते हैं अभी आपने कोई न्यूज़ सुनी है कोई इंडिया ने किसी पाकिस्तानी को मारा है, कोई आपने ऐसे अब कोई न्यूज़ सुनी है आपको मौजूदा हालात में सुनिए कोई न्यूज़ सुनिए? वो पहले पहले स्टार्ट में था, हाँ स्टार्ट में भाई मानते पहले पहले, अब तो मुझे पता हम क्यों हम उनको कहते हैं हमारा दुश्मन है, किस तरह हमारा दुश्मन है? असल में भाईजान ये जो दुश्मन मुल्क हमें बताया जाता है ना इंडिया का, इसके पीछे बेसिकली जो है ना हमारे अजदाद से बात चली आ रही, ठीक है? उन हमारे अजदाद ने जब पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, ठीक है, वहाँ से लोग आए, उन्होंने मारे, बेशक हमारे लोगों ने भी काफ़ी उनकी कत्ल गारत की, लेकिन बात सोचने की ये है कि बात सोचने की ये है कि वो सिर्फ दुश्मन मुल्क उसको हम समझते आ रहे हैं, ठीक है, ये दुश्मनी हमने खुद इटसेल्फ बनाई हुई है, इसके पीछे राज क्या है कि कौन हमें लड़वा रहा है? देखें अगर आप गौर से ठंडे दिमाग से सोचें ना तो बेसिकली कोई रीज़न नहीं है पीछे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है कौमियत की तासुबियत होती है, उसके बाद ठीक है एक मज़हब की तासुबियत होती है, मज़हब की तासुबियत से आप ठीक है आप कहते हैं कि वो आपका दुश्मन, लेकिन इस्लाम ने भी उसको जो है ना वो इस चीज़ को दुश्मन से नफरत करने का नहीं कहा, दुश्मन के नज़रिए से नफरत करने का कहा, ठीक है? तो उस उनका है कि लेकिन वहाँ से ना देखें अगर वहाँ से भी कुछ लोग हैं ऐसे कि वो तीर चला रहे हैं और यहाँ आपका मकसद कहने की आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ बार बार, आपका मकसद कहने के कुछ लोगों की वजह से जो है ना हमें गलत गाइड किया जाता, वहाँ से गलत गाइड किया था, यहाँ से गलत गाइड किया, हमारी जो आपस में अवाम है उनकी अवाम हमारी अवाम वो अंदर से एक ही है। अब जैसे कि हमें आईटी सिस्टम में देख लें, आईटी सिस्टम में कुछ दोस्त हैं वो आईटी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे इंडियन बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम वीडियो कॉल पर बात करें बड़ी अच्छी उनसे हमारे रिलेशन हैं, ये कुछ लोगों की वजह से ऐसी ये भी बात है, कुछ लोगों की वजह से ये हमें ये बातें सुननी पड़ रही हैं ये इंडिया वो दुश्मन है ये दुश्मन है, ये कुछ लोगों की वजह से हो रहा है ऐसे। भैजान बस आपको जब स्टडी ना हो आपके पास तारीख ना हो तो फिर आप लोग ऐसे ही बात करते हो जो आपके माँ बाप ने या आपके बड़ों ने सिखाई है, ठीक है? आप देखें बेसिकली हम बी एस के स्टूडेंट हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन लेक्चर लेते हैं, इंडियन प्रोफेसर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हम उनको दा देते हैं, उनके स्टूडेंट आई टी में उन्होंने बड़ी ज़्यादा जो है वो किया ग्रोथ की है, उसके बाद उनके काफ़ी जो स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत आगे निकले हैं, लेकिन ये जो दुश्मन एक चीज़ हम कंसिडर करते हैं ना, ये उस 47 के बाद जब बॉर्डर लाइन हुई ना उन्होंने कहा मुस्लिम अपनी तरफ और हिंदू एक तरफ, अब ये हिंदू मुस्लिम ये इस्लाम के ऊपर तासुबी जो आ रही है ना इनमें कुछ लोग हैं, इन्होंने तासुब फैलाया हुआ है, इस वजह से दो मुल्क आपस में दुश्मन बने हैं। चले ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ अपनी आवाम को कि जो है वो अपना मुल्क के बारे में सोचें, इट सेल्फ खुद ना सोचें, ना इस चीज़ में पॉलिटिशियन में ज़्यादा अपने आप को रगड़ें, ठीक है? उसके बाद अपनी जो है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है? अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह जब हर बंदा अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेगा तो पूरा मुल्क इंशाल्लाह सुधर जाएगा। ये अचीवमेंट जो उन्होंने जापान को बीट कर दिया, मुझे बताइए ये अचीवमेंट उन्होंने किया उसमें क्या कहेंगे आप लास्ट बात, कि क्या उन्होंने अप्रिशिएट करेंगे उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है? जी मैं बिल्कुल इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा और पाकिस्तान के अवाम को इस लिहाज से भी पैगाम दूंगा कि उनसे सीखें, ठीक है? और इंशाल्लाह कोशिश करें पाकिस्तान के जो इस टाइम गवर्नमेंट है, ठीक है, जब ये एक हो जाएगी, इस टाइम तो मुल्क के ही हिस्सों में डिवाइड हुआ, जब एक गवर्नमेंट है तो वो इस चीज़ को प्रमोट करे, अपनी अवाम को सपोर्ट करे और अवाम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो मुल्क चलेगा। जब ठीक है सर, गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान जब रिलेशन ही होगा ना तो मुल्क हमेशा इंतजार में रहेगा, ठीक है? ओके सर, बहुत शुक्रिया।